मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। आखिरकार बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बिजनेसमैन पति संजय कपूर ने अपनी टूटती शादी पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। संजय ने शादी के टूटने की वजह करिश्मा का लालच बताया है। संजय का कहना है कि करिश्मा ने उनके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। इसके साथ ही संजय ने यह भी इल्जाम लगाया है कि करिश्मा ने अपने ऐशो आराम के लिए उन्हें बड़ी चालाकी के साथ उनके परिवार से दूर कर दिया। संजय कपूर ने सारी बातें बांद्रा की फैमिली कोर्ट में दायर की गई एक नई याचिका में कही हैं। आपको बता दें कि साल 2003 में अभिषेक के साथ ब्रेकअप होने के बाद करिश्मा ने संजय कपूर के साथ शादी की थी। संजय ने अपनी याचिका में कहा है कि करिश्मा ना सिर्फ एक बहू और पत्नी की जिम्मेदारी निभाने में भी असफल रहीं, बल्कि वो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। इनके दो बच्चे हैं समायरा और कियान, जिनकी कस्टडी का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। संजय ने अपनी याचिका में ये भी कह दिया है कि करिश्मा उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि करिश्मा ने उनके बच्चों समायरा और कियान को उनके बीमार पिता से भी नहीं मिलने दिया। संजय के पिता का 6 महीने पहले ही निधन हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले करिश्मा कपूर ने अपने पति पर बुरा व्यवहार करने का इल्जाम लगाया था। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।